रे गा रे गा मा पा मा पा मा पा गा रे रे गा मा पा मा पा पा धनी दा पा मानी पा गारे गारे ने धसा धनी सारे 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 रे गा गा मा मा पा मा पा मानी पगारे गारे ने धासा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राग काफी के बारे में। राग काफी काफी नाम के थाट से उत्पन्न हुआ है। राग काफ़ी का जो वर्गीकरण है वो राग काफ़ी सिंपल फॉर्म में बताना पड़ेगा ना। जैसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उसको जैसे किस कैटेगरी ऑफ राग में आता है वो, तो उनमें से 10 कैटेगरी में से हम एक काफ़ी थाट कहते हैं हम, तो काफ़ी थाट में से ये राग उत्पन्न होता है। उसी का ये मेन मूल राग है राग काफ़ी। राग काफ़ी का जो ओवरऑल जो गाने बजाने का तरीका है काफ़ी सिंपल है। इसमें 2 स्वर कोमल लगते हैं, यानी कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे ग और नी कोमल होते हैं। और इसको गाने बजाने का जो समय है वो रात का दूसरा प्रहर होता है। जैसे कि हम जब हम सुबह की तरफ जो हमारे जो वृत्ति होती है वो भक्ति रस या भक्तिपूर्ण होती है, लेकिन जब जैसे जैसे शाम ढलती है रात आती है तो वैसे वैसे श्रृंगार रस जिसे बोलते हैं हम, तो वो इस राग में बहुत है। इस राग के स्वरों के गायन से काफ़ी श्रृंगार रस पैदा होता है। और इस राग में आपको काफ़ी उपशास्त्र गीत मिलेंगे आपको, जैसे कि ठुमरी दादरा ये सब आपको सुनने को मिल सकता है। काफ़ी बॉलीवुड में फिल्मी संगीत में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर इस राग में हम दोनों निषाद दोनों नी इस्तेमाल कर दें, कोमल और शुद्ध नी, तो फिर ये मिश्र जाति का राग बन जाता है, मिश्र काफ़ी। तो राग काफ़ी बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत ही चैन सुकून देने वाला राग है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जिनको स्ट्रेस डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो वो ऐसे सुकून भरे राग सुने। सुकून भरे राग सुनने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है मेंटली, और बहुत पीस महसूस होता है। तो आप इस राग को समझने की कोशिश करें, सुनते रहिए इस राग को, ध्यान से समझते रहिए। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।